साल 1991 फिल्म रिलीज हुई थी दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में पूजा भट्ट और आमिर खान की जोड़ी बनी थी। फिल्म रोमांटिक थी और निर्माण किया था महेश भट्ट ने। इस फिल्म के बाद आमिर खान और पूजा भट्ट के करियर को एक नई रफ्तार मिली थी, लेकिन इस फिल्म के साथ ही एक और चीज़ बड़ी तेजी से वायरल हो गया था। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हर दूसरा यंगस्टर जो है आमिर खान के इस स्टाइल को अपनाता हुआ दिखा था। जी हाँ, अगर आप सबने फिल्म देखी है तो देखा होगा कि आमिर खान ने इस फिल्म में टोपी पहन रखी है। वो टोपी आम टोपी से बिल्कुल हटके है। और आप सबको बता दें कि ये टोपी जो है, इस टोपी के पीछे की कहानी भी बड़ी अलग है। कैसे चुना गया इस टोपी को? इस टोपी को काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद चुना गया था, क्योंकि महेश भट्ट और आमिर खान दोनों ही चाहते थे कि लुक थोड़ा हटके होना चाहिए, टोपी का अंदाज थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि चाहते थे कि ये फिल्म अलग है, तो इसीलिए आमिर खान एकदम हटके दिखने चाहिए, सारी फिल्मों से हटके आमिर खान का लुक होना चाहिए। अब लुक में और कुछ चेंजेस तो हो नहीं सकते थे, तो जाहिर सी बात है आमिर खान को एक नया लुक देने के लिए टोपी का आइडिया लाया गया। और इस टोपी को सेलेक्ट करने के लिए बहुत लंबी डिस्कशन चली, कई डिज़ाइंस सेलेक्ट किए गए, कई डिज़ाइंस को जो है वो रिजेक्ट किया गया, कई डिज़ाइंस को मिला के एक टोपी तैयार करवाई गई और वो टोपी आमिर खान ने पहनी थी। ये टोपी इतनी फेमस हो गई कि इस फिल्म की रिलीज के बाद हर दूसरा यंगस्टर आमिर खान जैसी टोपी पहना हुआ नजर आता था। 2-3 सालों तक तो आमिर खान के इस टोपी का बड़ा क्रेज रहा, लोगों को बहुत पसंद आया था आमिर खान का स्टाइल। तकरीबन 10 घंटे की लंबी डिस्कशन के बाद ये टोपी सेलेक्ट हुआ और इस 10 घंटे की डिस्कशन ने वाकई कमाल कर दिया। फिल्म में आमिर खान का लुक भी अलग हो गया, इस फिल्म को एक अलग पहचान भी मिल गई, इस फिल्म के चलते ये टोपी भी हिट हो गई। कुल मिला के इस टोपी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 10 घंटे की डिस्कशन के बाद निकला था ये टोपी।